थाना संभल कोतवाली में कल देर रात संभल सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क व दो अन्य व्यक्ति फैजान चौधरी व मोहम्मद मुकीम के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनके द्वारा तालिबान के संबंध में भड़काऊ बयान दिए गए। एक प्राइवेट व्यक्ति श्री राजेश सिंघल द्वारा लिखित तहरीर देकर यह बताया गया कि डॉक्टर बर्क द्वारा एक मीडिया ब्रीफिंग में तालिबान की तुलना भारत के स्वाधीनता सेनानियों के साथ की गई तथा उसकी जीत पर खुशी मनाई गई। ज्ञातव्य हो कि तालिबान भारत सरकार द्वारा घोषित एक आतंकवादी संगठन है। इस तरह के बयान देशद्रोह की श्रेणी में आते हैं। अतः उपरोक्त लिखित तहरीर के आधार पर उपरोक्त तीनों व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 124A, 153A व 295A IPC के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अन्य दो व्यक्तियों द्वारा फेसबुक पर इसी प्रकार के बयान दिए गए, उनके विरुद्ध भी इसी FIR में अभियोग पंजीकृत किया गया है। समस्त साक्ष्य संकलन के साथ में वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। देशद्रोह के बारे में इस तरह की बयानबाजी करने वाले व्यक्तियों अथवा सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट शेयर करने वालों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई संभल पुलिस द्वारा की जाएगी। मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, बिल्कुल गलत है। जो मैंने कहा था ये अल्फाज कहे थे, जब मुझसे उन्होंने सवाल किया, मैंने कहा मुझसे क्या ताल्लुक वहाँ के उस मुल्क से या तालिबान से, मुझसे क्या ताल्लुक। मैं इस सिलसिले में कोई कुछ बात नहीं कह सकता, बल्कि मेरे मुल्क की जो पॉलिसी होगी अपने मुल्क के साथ ही। बस ये बयान दिया तो इसमें मैंने क्या जुर्म कर दिया, मैंने माना कर दिया उसे। मैंने कि तालिबान से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, कोई वास्ता नहीं, मैं वहाँ का रहने वाला नहीं। तो मैं तालिबान के सिलसिले में मैं राय देने वाला कौन हूँ? मैंने कि मैं क्यों दूर रहा इसमें अपनी राय। मैंने कि मैं अपने मुल्क के साथ हूँ, मुल्क की जो पॉलिसी बनेगी या जो होगा मैं मुल्क के साथ हूँ।